तूने हमारा घर बर्बाद किया है ना, हमसे हमारा प्यार, हमसे हमारे पति छीने है ना, हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि तेरा प्यार भी कभी पूरा नहीं होगा। तुझसे भी तेरी खुशियां छीन जाएगी, तेरे पति तुझसे दूर हो जाएंगे। तू भी ऐसे ही तड़पेगी शक्ति जैसे हम तड़पे। प्लीज चुप हो जाइए, क्या कह रही है आप ये? हमारी बद्दुआ है तुझे शक्ति, जैसे हम और कीर्तन एक नहीं हो पाए ना, ठीक वैसे ही तू और शिव भी कभी एक नहीं हो पाओगे। शिव और शक्ति कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। ये क्या कह दिया आपने? शक्ति, इसने कह दिया और हो गया। हमारा साथ होना या ना होना किसी की दुआ और बदुआ पर डिपेंड नहीं करता। किसी के शराब वाप देने से हम कभी अलग नहीं हो सकते शक्ति। हम साथ आए साथ रहने के लिए, जीवन भर जब तक सांसें चलेंगी साथ रहेंगे, और शायद उसके बाद भी। शिव शक्ति हमेशा साथ रहेंगे। तुम लोगों ने हमारा घर बर्बाद किया है, हमसे हमारे पति छीने हैं, जितने आंसू हमारे बहे ना उतना ही तुम दोनों भी तड़पोगे। याद रखना, हमारी बद्दुआ है तुझे शक्ति, तू और शिव भी कभी एक नहीं हो पाओगे। शिव और शक्ति कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। हम कभी भी आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे डॉक्टर शिव। शक्ति सुनो, मेरी बात सुनो। 2024 चल रहा है, ये शराब पाप नहीं लगते हैं। ये भूल गई है क्या कि शराब पाप का फैशन चला गया है? प्लीज इसकी बातों को सीरियसली मत लेना और स्माइल कर। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता शक्ति। मैंने कहा ना मैं पैसे दे दूंगी। आपको पता है ना 7 साल पहले क्या हुआ था? हाँ मुझे याद है 7 साल पहले क्या हुआ था, बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। 7 साल पहले की बात, ये जरूर गौरी की मौत से बात जुड़ी हुई है। अंधेरा चाची की असलियत मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। सॉरी माँ, ये करना ही होगा। डॉक्टर साहब,
पहले भी उस गौरी ने बहुत कोशिश की थी ना, कुछ नहीं कर पाई वो। कैश है मेरे पास, ओके, पर इस वक्त मैं बिजी हूँ, एक दो दिन में दे दूंगी। आप बिजी है तो कोई बात नहीं मैडम, हम घर आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, घर मत आना, आज ही दे दूंगी पैसे, ठीक है? अब दोपहर को 3 बजे वही जहाँ हमेशा मिलते हैं। ये आदमी जो कोई भी है, इसका गौरी की मौत से लेना देना जरूर है। या तो इसने गौरी को कुछ किया या तो गौरी की मौत का राज जानता है, इसलिए मंदिरा इसे इतने पैसे दे रही है। इतने सालों से जो भी है, इसे किसी भी हालत में आज पकड़ना होगा, कैसे भी किसी भी तरह पकड़ना होगा। अगर हमारे पास सबूत होगा तो मंदिरा को सजा दिलवाना आसान हो जाएगा। तूने हमारा घर बर्बाद किया है ना, हमसे हमारा प्यार, हमसे हमारे पति छीने है ना, हम तुझे बद्दुआ देते हैं कि तेरा प्यार भी कभी पूरा नहीं होगा। अब वार वहां होगा जहां तुमको सबसे ज्यादा दर्द होता है, शिव। अब वार होगा शिव पर और दर्द होगा तुमको। चोट उसे लगेगी, दर्द तुम्हें होगा। टूटेगा वो, बिखरोगे तुम, क्योंकि इस शिवरात्रि अभिषेक दूध से नहीं खून से होगा, तुम्हारे पति शिव के खून से। एक तरफ मंदिर है जो हमारे पति डॉक्टर शिव को मारने की धमकी दे रही है, और दूसरी तरफ हमारी दी जो हमें बद्दुआ दे रही है कि हम और डॉक्टर शिव कभी एक नहीं हो पाएंगे। हे भोलेनाथ, बिल्कुल आशाएं महसूस कर रहे हैं हम। अगर डॉक्टर शिव को कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। हमारी रक्षा कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। शक्ति, क्या मैंने तुम्हें बताया है कभी कि तुम रोते हुए बहुत क्यूट लगती हो? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है कि जब तुम क्लास में पढ़ाई कर रही होती हो ना, तो एकदम टॉपर वाली वाइब्स आती है? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी बताया है कि तुम्हारे हाथ के पराठे जो होते हैं ना, वर्ल्ड के बेस्ट पराठे हैं? और वो जो तुम्हारी नीली वाली ड्रेस है ना, जिसपे गोल्डन वर्क है, वो तुम पर बहुत जचती है। और क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि जब तुम एकदम चुपचाप होती हो ना, तो सबसे ज्यादा क्यूट लगती हो? नहीं, पर थैंक यू डॉक्टर शिव। थैंक यू क्यों? हमारी तारीफ करने के लिए। तारीफ? कौन सी तारीफ? मैं तो बस पूछ रहा था तुमसे कि क्या ये सब मैंने तुम्हें पहले बताया है? डॉक्टर शिव, हर जो बात जो ना कही जाए वो झूठ नहीं होती, और हर बात जो कही जाए वो सच नहीं होती। मतलब ये कि आज रिमझिम ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। ऑब्वियसली बात है कि उसे कीर्तन को लेकर बुरा लग रहा होगा। उसने जो कुछ भी कहा, आई एम श्योर शी डजंट मीन इट। गुस्सा उसके जुबान पर है पर दिल में नहीं। एंड आई एम श्योर कि जो कुछ भी उसने कहा वो कभी सच नहीं होगा। काश डॉक्टर शिव हम आपको अपनी परेशानी के बारे में बता सकते, लेकिन हम आपको ये बात बताकर और परेशान नहीं कर सकते। डॉक्टर शिव को कुछ भी करके हमें प्रोटेक्ट करना ही होगा। हे भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए। अब तुम्हारे रोने का ये जो कोटा है ना, आज के लिए खत्म। पेट भर गया है मेरा। पानी पियो, स्माइल करो और खुश रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड हंस रहा है। ये लो। थैंक यू।
डॉक्टर शिव, जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ी है आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। हे भोलेनाथ, हमेशा हमारी जोड़ी ऐसे ही बनाई रखिएगा। प्यास लगी है मुझे और हम लेट भी हो रहे हैं ना। नहीं, मुझे एक्चुअली जाना है, एक सेकंड। सब समझ गए हम डॉक्टर शिव, आपने जो कहा और जो नहीं कहा वो भी। कौन था यहाँ? हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंधेरे की नजर से पाल पाल बच गए। शक्ति बेटा, वो शक्ति, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। शक्ति बेटा, हमने मंदिरा को अभी अभी किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। याद है 7 साल पहले क्या हुआ था? बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। कैश है मेरे पास, पर इस वक्त मैं बिजी हूँ, एक दो दिन में दे दूंगी। परफेक्ट माँ, हम ऐसे ही किसी मौके का तो इंतजार कर रहे थे। मंदिरा जिस किसी को भी पैसे भेज रही है ना, आज हम उसे पकड़ के रहेंगे और उससे गौरी दी की मौत का राज वो हम बुलवा के रहेंगे। माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आज ही जाएंगे। और हम आज कैसे जा सकते हैं? आज तो हमें कॉलेज जाना है। डॉक्टर शिव कह रहे थे कि
स्ट्रिक्टली कह रहे थे कि हमें अपनी पढ़ाई पर ना ध्यान देना शुरू करना होगा। कह रहे थे कि घर के कामों के चक्रों में हमारी पढ़ाई वो बैक सीट पर ही चली गई है। आए दिन हम अपनी क्लासेस मिस करते रहते हैं और अभी तो हमारे प्रैक्टिकल्स भी शुरू होने वाले हैं, उसके लिए हमें प्रेपरेशन करनी है। डॉक्टर शिव कह रहे थे कि चाहे हम अपना सपना भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने का सपना। सच कितने पुण्य किए होंगे तुमने जो तुम्हें हमारे शिव जैसा पति मिला, जिसने अपने जीवन साथी के लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। काश हर लड़की को शिव जैसा पति मिले, वरना लड़की की शादी होते ही उसके सपनों का अंत हो जाता है। अगर शिव की सोच की तरफ हर किसी का पति हो तो शादी के बाद उसके सपने का अंत नहीं, शुरुआत होगी। हमें बहुत गर्व है अपने शिव पर। गर्व तो हमें भी उन पर बहुत है माँ जी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन आई प्रॉमिस माँ कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से हम अपनी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। पर कल क्या करोगी शक्ति? कल शिवरात्रि है। देखो मंदिरा तो पहले से ही नाराज बैठी है और रिमझिम इस हालत में बिल्कुल नहीं है कि शिवरात्रि के उत्सव की कोई तैयारी कर सके, इसलिए सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। हम है ना माँ, हम सब कर देंगे। तुम कर लोगी? देखो बड़ी, मंदिरा पर आरोप जरूर लगे हैं लेकिन तुम पर जो आरोप लगे हुए थे अभी तक तुम उनसे मुक्त नहीं हुई हो, यही वजह है कि तुम्हारा बेटा तुमसे अभी तक दूर है और इसीलिए हमारे भोलेनाथ भी तुम्हारे हाथों से की हुई पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। दादी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम है ना हम सब मैनेज कर लेंगे और साथ में कॉलेज को भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे शक्ति, कश्यप परिवार का शिवरात्रि का उत्सव पूरे बनारस में प्रसिद्ध है, सभी तैयारियां बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारे परिवार की नाक नहीं कटनी चाहिए। डोंट वरी दादी। आप उन कर्मों की सजा भुगत रही हैं जो आपने कभी किए ही नहीं, बस कुछ और टाइम की बात है। कल शिवरात्रि के शिव जी के अभिषेक के जल से आपके नाम पर जितने लगे दाग है ना, उन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। कल शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भोलेनाथ की आशीर्वाद से वहां बेटे के इस रिश्ते को जोड़ देंगे, जितनी भी दूरियां ना उन्हें सबको मिटा देंगे और ये सब तभी होगा जब हम सबको साबित कर देंगे कि गौरी दी की मौत की असली जिम्मेदार मंदिरा है। लेकिन मैं इन सब के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान तक पहुंचना होगा जिससे आज मंदिरा मिलने वाली है। लेकिन कैसे शक्ति बेटा, तुम तो कॉलेज में रहोगी ना? एक आदर्श पत्नी वही होती है जो अपने काम को भी संभाले और अपने घर अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी। और यहाँ बात तो हमारे घर पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे यानी मंदिरा की हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और आप वहां अकेली बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम कैसे भी करके वहां टाइम पर आ जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए।